कम ऑल ऑफ यू इन द नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग एन आई ओ एस विद हेयर विद यूल रिचा कटारिया आईं नेक्स्ट अगर हम लोग देखें फर्स्ट चैप्टर का हमारा सेकेंड लेक्चर है फर्स्ट लेक्चर देखने के बाद ही इसको देखिएगा दैट विल बी फाइन फॉर यू ऑल अकाउंट्स को आगे तक पढ़ने के लिए कुछ लीगल टेक्नोलॉजी जो सिर्फ अकाउंट्स की होती है च मस्ट बी नोन जो एक बार मैं कई बार कन्फ्यूज होती हूँ कई लोग बोल देते हैं बट लगता है कितने लोगों को टोकू सब कहेंगे अदा स्मार्ट बन रही है स्मार्ट नहीं बनना है आप लोगों ने स्मार्ट बनना है ये जो परचेज वर्ड है ना और एक बाय वर्ड है बी यू बाय ये जो बाय होता है बाय का मतलब भी खरीदना होता है और परचेजेज का मतलब भी खरीदना होता है लेकिन ये जो बाय है ध्यान रखिएगा ये असेट्स के लिए यूज़ होता है जनरली मैंने देखा सब लोग जो है परचेजेज असेट्स के लिए भी यूज कर लेते हैं लेकिन परचेजेज जब हम कोई चीज़ खरीदते हैं वो रीसेल करने के लिए उसको क्या कहा जाता है परचेजेस एग्जाम्पल परचेजेस गुड्स होते हैं क्या परचेज होते हैं गुड्स लेकिन असेट्स के लिए हम क्या यूज करते हैं बाय चलो ये तो इंग्लिश का एक ट्रांजेक्शन था मैंने आपको बता दिया अब हम लोग अकाउंटिंग सेंस में घुसते हैं परचेजेस क्या है दिस टर्म इज़ यूज फॉर गुड्स किसके लिए यूज होना है गुड्स के लिए टू बी डिटेल डैट इज गुड्स आर परचेज फॉर री सेल और फॉर प्रोड्यूसिंग द फिनिश प्रोडक्ट आप या तो ये पेन ले करके बेचते हो तो पेन बना करके बेचते हो एक ही चीज़ करोगे अगर आप खरीद करके बेचते हो तो सेल नहीं कर रहे हो री सेल कर रहे हो चीज़ों को तो वो क्या है आपने खरीदा दैट इज अ परचेज या आप रॉ मटीरियल इसका प्लास्टिक खरीदते हो इसको बनाने के लिए तो वो क्या है आपकी परचेजेज इन कॉमन टर्मोलॉजी परचेजेस मीन खरीदना किसको अपने गुड्स को अपने आगे से बेचने के लिए अब ये सन्ड्री वनड्री क्रेडिटर्स है ये क्या है सन्ड्री क्रेडिटर्स अब बताती वॉट डू यू मीन द क्रेडिटर्स क्रेडिटर्स कौन होते क्रेडिटर्स आर पर्सन हैव टू बी पेड बाय एन इंटरप्राइज अमाउंट फॉर प्रोवाइडिंग गुड्स एंड सर्विस ऑन क्रेडिट जिनसे हमने उधार गुड्स खरीदा हुआ है उनके पैसे पे करना बाकी है मैंने फर्स्ट वीडियो में आपको बताया था कि पूरे बिजनेस में दो तरीके का ट्रांजेक्शन होता है इधर उधार और नगद जब हम नगद खरीदेंगे आपसे मैंने ये पेन खरीदा आपने मुझे पेन दिया मैंने आपको पैसे दिए हमारा ट्रांजेक्शन खत्म नहीं लेकिन मैंने ये पेन तो आपसे ले लिया अभी पैसे आपके देने बाकी हैं वो बंदा जिसके पैसे देने बाकी हैं बिजनेस हूँ आपका पैसा देना बाकी यू आर द क्रेडिटर फॉर मी जिसके पैसे देने बाकी होते हैं और सामने वाला बंदा क्या होता है क्रेडिटर क्रेडिटर बिजनेस के लिए क्या होती है लाइबिलिटी होती है क्या होती है लाइबिलिटी होती है ठीक है अब क्या है सेल्स क्या होता है सेल्स बेचना चाहे हम अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करें गुड्स को बेचें जो बंदा दे रहा है वो क्यों ना सेलर है और अब इसी चीज को जब हम उधार करते हैं जो जिस बंदे को उधार गुड्स बेचा जाता है या जिससे पैसा लेना बाकी है वो पर्टिकुलर बंदा क्या कहलाएगा डेटर खरीदा है उधार सामने वाला क्रेडिटर बेचा है उधार पैसा लेना बाकी है डेटर्स, राइट? नेक्स्ट क्या है हमारे टर्म्स ड्रॉइंग्स आपने प्रीवियस भी पढ़ा था जब पर्सनल यूज के लिए एक बिजनेसमैन अपने पर्सनल यूज के लिए गुड्स को या फिर वनी टर्म्स को निकालता है तो उसको ड्रॉइंग्स कहते हैं आपने प्रीवियस भी फर्स्ट लेक्चर में भी ये चीज देखी थी कैपिटल क्या थी जब प्रोप्राइटर इन्वेस्ट करता है अपने बिजनेस में इन द फॉर्म ऑफ कैश इन द फॉर्म ऑफ असेट्स इन द फॉर्म ऑफ गुड्स वॉट एवर द फॉर्म इज इज नोन एज द कैपिटल दिस इज द पूंजी राइट असेट्स भी प्रीवियस वीडियो में थी जिसमें आपने टेंजिबल इनटेंजिबल करेंट एंड नॉन करेंट को पढ़ा था असिट्स क्या है हमारी बिजनेस के बेनिफिट्स के लिए बिजनेस को बढ़ावा देने के लिए जो चीज़ें हम यूज़ करते हैं दीज आर टेंचिबल ऑब्जेक्ट्स टेंचिबल जो दिखती हैं इनटेंचिबल राइट्स ओन्ड बाय द एंटरप्राइज किसकी ओनरशिप होती है पर्टिकुलर बिजनेस की होती है कैरी प्रोएबल फ्यूचर बिजनेस को प्रोमोट करने के लिए पेन नहीं होगा आई कैन नॉट राइट आई टोल्ड यू इन द लास्ट वीडियो ऑल्सो तो ये सारी चीज़ें हमारी फर्नीचर मशीनरी मशीनरी शॉप के लिए गुड्स लेकिन हमारे लिए असिट्स तो ये सारी चीज़ें क्या कहला रही हैं आपकी असट्स कहला रही हैं ठीक है नेक्स्ट क्या है आपका गुड्स अब यहाँ पर रुकते हैं मैंने आपको बताया ये पेन इफ आई एम प्रोड्यूसिंग आई एम सेलिंग दिस इज अ गुड्स फॉर मी बट आई एम नॉट सेलिंग दिस आई एम नॉट प्रोड्यूसिंग इट आई एम यूजिंग इट टू प्रमोट माई बिजनेस आई एम यूजिंग इट टू जस्ट डू माई सर्विसेस तो ये मेरे लिए क्या असट्स है लेकिन जिस बंदे ने इसको बेचा है उसके लिए वो क्या है गुड्स है एक फर्नीचर बनाने वाले के लिए कारपेंटर के लिए वो फर्नीचर क्या है गुड्स है लेकिन हम लोगों के घर में वो क्या है असिड्स है तो गुड्स क्या होता है दीज दीज टू टू आइटम ऑफ ऑफ फॉर्मिंग पार्ट स्टॉक इन ट्रेड जो आपका स्टॉक है ट्रेड में बेचने के लिए जैसे कि फॉरन इंटरप्राइजेस डीलिंग इन द होम अप्लायसेस कोई एक इंटरप्राइजेस किसमें डील कर रहा है होम अप्लायसेज घर की चीजों में एग्जाम्पल टेलीविज़न फ्रिज ए सी ये सब चीज़ों में तो ये टेलीविज़न फ्रिज एंड ए सी उस बंदे के लिए क्या है गुड्स है क्यों क्योंकि वो डील किस में कर रहा है होम अप्लाइंसिस में कर रहा तो ये उसके लिए क्या है गुड्स है तो गुड्स क्या होता है जब हम कोई चीज़ खरीदते हैं बेचने के लिए तो हमारे लिए क्या है गुड्स है ठीक है अब नेक्स्ट टर्म पे चलते हैं पहले मैं थोड़ी सी चीज़ें आप लोगों को, को और समझा लूँ यहाँ पर कोई भी ट्रांजेक्शन पहली बार तो एक ट्रांजेक्शन होगा ट्रांजेक्शन क्या हो सकता है एक बिजनेस के अंदर या तो परचेज होगा या फिर सेल होगा और हर ट्रांजेक्शन के टू पार्ट्स होंगे इधर द कैश और क्रेडिट, उधार या फिर नगद। ये टर्म्स आपको आगे की भी वीडियोस में डिस्क्राइब किए जा चुके हैं ठीक है तो आप लोगों को आई थिंक ये रिपीटेडली करने का मतलब क्या कीप इन माइंड तो कैश है तो सामने वाले से ट्रांजेक्शन करके खत्म रिलेशन क्रेडिट में माल खरीदा है जिस बंदे से खरीदा है वो बंदा क्या है क्रेडिटर है जिस बंदे को बेचा है वो बंदा क्या है हमारा डेटर है पैसा लेना बाकी है राइट अब इसमें एक नया टर्म हमारा जुड़ा दैट इज़ ऑफ डिस्काउंट तो डिस्काउंट क्या होता है अब पहले डिस्काउंट देख लें क्या होता है आप जब कोई गुड्स खरीदने जाते हो आपने कोई चीज़ फाइव थाउजेंड के लिए उसने बोला भैया फोर्टी फाइव हंड्रेड दे दें इट्स इंडिया का ना ये थोड़ा सा है अगर वो फोर्टी फाइव का बोलते भैया चार हज़ार की ले ले डायरेक्टली फाइव हंड्रेड रुपीज़ कम क्यों ये बार्गेनिंग का सिस्टम बहुत है क्यों अब यहाँ पे देखते हैं तो कहेगा ठीक है ले लीजिए चलिए ठीक है ले लीजिए चलिए दिस इज द ट्रेड डिस्काउंट उसमें लिखा नहीं है वो बता नहीं रहा रिसिप्ट नहीं दे रहा ठीक है ले लीजिए कह रहा है फुटवेयर लेने गए थर्टी नाइन हंड्रेड की बोला भाई थर्टी फाइव हंड्रेड दे दें क्या दे दें क्या दिस इज द ट्रेड डिस्काउंट डिस्काउंट या तो हम आपको देंगे या तो हमें मिलेगा इधर आई एल गिव यू और आई एल रिसीव फ्रॉम यू या तो हम अलाउ करेंगे या तो हम रिसीव करेंगे तो सम कस्टमर आर अलाउड रिडक्शन इन द प्राइज ऑफ गुड्स जो प्राइज़ उसमें लिखा है उसमें जो कम वैल्यू करके हम गुड्स बेचते हैं तो उसको क्या कहते हैं डिस्काउंट कहते हैं जब हमें मिलेगा तो हमारे लिए क्या है फायदा है और जब हम देंगे हमारे लिए क्या है नुकसान है आई एल जील इन द फादर वीडियोस कि इसको कैसे डील किया जाता है अभी से सुनो आगे बहुत बार ये आने वाला है बहुत बार रिपीटेड होने वाला है तो डिस्काउंट या तो मिलता है या तो देते हैं ये दो तरीके का होता है ये सारी चीज़ अभी सिर्फ याद रखनी है अभी एज पर दिस वीडियो जो मैं बता रही हूँ उसको ध्यान रखो बार बार रिपीटेडली इसको एक्सपैंड करते चलेंगे नहीं तो आप कहोगे पता नहीं क्या बता रही बिकॉज यू आर स्टार्टिंग वेरी फर्स्ट टाइम अकाउंट्स राइट तो एक होता है ट्रेड डिस्काउंट दूसरे का नाम है कैश डिस्काउंट व्हाट इज द मीनिंग ट्रेड डिस्काउंट एंड कैश डिस्काउंट तो यहां पे डिस्काउंट के दो टर्म्स होते हैं राइट ट्रेड एंड कैश डिस्काउंट ट्रेड डिस्काउंट जो होता है वो टोटल ट्रांजेक्शन पे दिया जाता है अभी को जो आपको ध्यान रखना है टोटल ट्रांजैक्शंस पे मिलता है इधर कैश और क्रेडिट जो बताया था चाहे वो कैश ट्रांजेक्शन हो चाहे वो क्रेडिट हो पूरे गुड्स पर पूरे टोटल ट्रांजेक्शन पे हमें ट्रेड डिस्काउंट देना या फिर मिलता है कैश डिस्काउंट जो होता है वो हमें टोटल ट्रांजेक्शन पे ना मिलकर के नाम है कैश तो कैश ट्रांजेक्शन्स पे ही मिलता है किस पर मिलता है कैश ट्रांजेक्शंस पे ऑनली कैश ट्रांजेक्शन्स पे राइट जो कैश डिस्काउंट होता है वो प्रॉम्प्ट पेमेंट लेने के लिए भी कस्टमर से होता है अब इसका डिस्क्रिप्शन पढ़ लें क्या है ट्रेड डिस्काउंट इट इज द रिडक्शन अलाउड बाय द सेलर टू बायर एट द टाइम ऑफ सेल ऑन दिस्ट प्राइज ऑफ द गुड्स ट्रेड डिस्काउंट इज अलाउड ऑन बल्क परचेज बल्क परचेज टोटल नॉर्मली ट्रेड डिस्काउंट इज डिडक्टेड फ्रॉम द लिस्ट प्राइज नॉट नॉर्मली बट ऑलवेज ट्रेड डिस्काउंट किससे डिडक्ट होता है लिस्ट प्राइस से जिसमें एम आर लिखा होता है ठीक है इसकी एंट्री नहीं की जाती है ट्रेड डिस्काउंट को सिर्फ रिड्यूस किया जाता है सपोज दैट मैंने बोला आपने थर्टी नाइन हंड्रेड का फुटपीयर लिया आपने कहा भैया थर्टी फोर हंड्रेड ले लो तो वो आपको जो बिल देगा वो थर्टी फोर हंड्रेड रुपीज़ का बिल देगा वो जो पैसे इसने घटाए हैं फाइव हंड्रेड रुपीज़ उसको यहाँ पे शो ही नहीं करेगा राइट right? तो ट्रेड डिस्काउंट की एंट्री नहीं होती है डायरेक्टली किसका बिल देगा आपको थर्टी फोर हंड्रेड का ट्रेड डिस्काउंट विल नॉट बी शोन इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स की बुक्स ऑफ अकाउंट्स बट कैश डिस्काउंट इज टू बी शोन जब क्वेश्चन में कुछ नहीं बोलता तो मान लेते हो क्या है कैश डिस्काउंट है इट इज द डिडक्शन अलाउड बाय द क्रेडिटर और द या तो हमें मिलना है या तो हम देंगे क्रेडिट और ऑन द अमाउंट यू लेटर दिस कंसेशन इज गिवन ओनली दोज सेटल दियर अकाउंट विद स्टिपुलेटेड पीरियड प्रॉम्प्ट पेमेंट निकलवानी है आपने क्या करा अच्छा आपने एक काम करो आप इतना डिस्काउंट ले लो पैसा दे दो राइट कैश डिस्काउंट इनकरेज इनकरेज करता है लोगों को बढ़ावा देता है किसके लिए प्रॉम सेटलमेंट ऑफ अकाउंट जल्दी पेमेंट पे करने के लिए द डेटर हु पेज़ द अमाउंट द इनकम अब भैया जो हमें देगा उसके लिए लॉस है हमारे लिए फ़ायदा है राइट right? और कैश डिस्काउंट की एंट्री होती है लेकिन ट्रेड डिस्काउंट की एंट्री नहीं होती है ठीक है यहाँ पर यह टर्म्स ध्यान रखना डिस्काउंट एक ट्रेड होता है और एक कैश होता है एक अलाउड होगा और रिसीव होगा अलाउ करोगे तो आपका अलाउ कर रहे हो किसी को लॉस और अगर आपको मिल रहा है तो दिस इज द फायदा फॉर यू राइट फिर से चीज़ें फिर से चीजें अगेन द रिपीटेडली इन एवरी क्लास हैविंग द प्रॉब्लम देन कॉल अस सो अ नाइस डे ऑल ऑफ यू कीप ऑन लर्निंग एंड डोंट फियर ऑल अबाउट अकाउंट्स अगर जो कहते हैं अकाउंट्स टफ है उनको भी बता दो अकाउंट्स टफ नहीं है बिकॉज इट्स नॉट टफ फॉर यू पढ़ने के लिए वीडियोज मिल रही है पढ़िए नहीं आ रहा तो ऑप्शन है कॉल करने का देन कॉल अर्स थैंक यू सो मच